वफा है शजरे ममनू यहां। कॉल नहीं उठा रही, पता नहीं कहां चली गई है। आप कहें तो आकिफ को कॉल करूं। कोई जरूरत नहीं, वो कौन सा सच बताएगा। सीधा उसके घर ही चलते हैं। उन्होंने मुझे आकिफ को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। अल्लाह गौरत करे। ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? मेरी बेटी कहाँ है? एक मिनट। उमल, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बाहर आओ जल्दी। मैं बता रहा हूँ। उमल, आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही? छोड़ो मेरा, वो यहाँ नहीं है। कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? तुमसे बाद में निपटूंगा। तुमने कोमल के साथ क्या किया? आवाज बंद करो अपनी। याद रखना, मेरी बेटी से शादी करने का सोचना भी नहीं, नहीं तो बहुत बुरा होगा। आई समझ तुम्हें? मैं पूछ रहा हूँ कोमल के साथ क्या किया? मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। समझते क्या हो खुद को? जान से मार दूंगा तुम्हें। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? पापा क्या चल रहा है? आकिफ की तरफ से कोई खबर? आकिफ की तरफ से बेफिक्र हो जाओ तुम, उसने मुझसे कह दिया है कि वो मेरी तरफ है। आपा, वो आपकी तरफ होने के लिए मान गया, मैं इसीलिए हैरान हो रहा हूँ। ऐसा ना हो हम लोग मुश्किल में पड़ जाएं। ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें अपनी आपा की काबिलियत पर भरोसा है ना कि वो लोगों को कैसे कायल करती है? मैंने आकिफ से बात कर ली है और अब ये तो मुमकिन ही नहीं कि वो जुनेद का साथ दे। वो उसका साथ नहीं देगा। तो तुम्हारी आकिफ से बात हुई? हमारी बातें सुन रहे थे तुम? जो पूछा है ना जवाब दो उसका। तुमने आकिफ से बात करके मेरे शेयर्स मांगे हैं ना? जुनेद पहले बैठ जाओ, फिर बात करते हैं इस बारे में। ये डील हुई थी ना पहले हमारे दरमियान? हाँ हुई थी, लेकिन फिर क्या किया तुमने? याद है ना, यिल्दिज़ को वापस पाने के लिए तुमने मुझे छोड़ दिया था। तो मैं क्या करती? खुद को बचाने के लिए जो सही लगा वो किया मैंने। बस कर दो आलिया, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं। तुमने बेवकूफ बनाया मुझे। इस बारे में पहले ही बहुत खुलकर और साफ बात कर चुके थे हम दोनों, और हम लोगों ने मिलकर कुछ तय किया था, लेकिन तुम उससे पीछे हट गए थे। एहसास हो रहा है मुझे कि तुमसे हाथ मिलाकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है आलिया। तुमने मौका मिलते ही मुझे और आकिफ को किनारे लगाने की मंसूबाबंदी शुरू कर दी। जुनेद, कहा था मैंने तुमसे, अगर तुम मेरी पीठ पीछे कुछ नहीं करोगे तो मैं भी नहीं करूंगी। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आकिफ ने भी ये कैसे किया। उसने भी मौके का भरपूर फायदा उठाया। यहाँ पर हर कोई अपने फायदे के बारे में सोचता है और इस बात से नफरत होगी मुझे, नफरत। आपा, ये जो कुछ भी हुआ है अच्छा नहीं हुआ। दुनिया की एक और कमीने से जान छूटी। तुमने मारा मुझे?
जतिन ऊपर आओ फौरन। कुंवर, कल ही तुम जाकर घर का बंदोबस्त करो, ठीक है? क्योंकि कल के कल ही यहाँ से हम चले जाएंगे। मजीद अब इस घर में नहीं रह सकते हम लोग। वो तो ठीक है आपा, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। क्या दुआन और जुनेद अब दोनों ही हमारे दुश्मन हैं? इसे हम दुश्मनी का नाम नहीं दे सकते। ये समझो बस इख्तलाफात हो गए हैं, जो आगे जाकर ठीक भी हो सकते हैं। आपा किसी एक से तो बनाकर रखती हैं, आपने दोनों से बिगाड़ ली। अब वो मिलकर कुछ भी कर सकते हैं आपके साथ। बस कुंवर, वो दोनों मिलकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ऐसी भी क्या गलती कर दी थी मैंने? हाँ, अगर हमारे इर्द गिर्द जो कुछ भी होता है, मुझे ही कसूरवार ठहराया जाता है उसका, और खुद के साथ नाइंसाफी हर किस बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ मैं। जानता हूँ, और ये भी जानता हूँ कि आप सबको गलत साबित करके सिर्फ अपने आप को ठीक समझती हैं। ऐसा ही है। हाँ, कुंवर बात सुनो, इतनी रात गए वो जुनेद कहाँ जा सकता है? कहीं हमारे खिलाफ वो प्लानिंग तो नहीं कर रहा? क्या उसके पीछे नहीं जाना चाहिए हमें? आप एक बार शुरू हो जाए तो रुकने का नाम ही नहीं लेती। इस लड़ाई के बाद भी आपको उसका पीछा करना चाहिए क्या? बोलिए। भरोसा नहीं कर सकती हूँ। सोचते हैं आगे क्या करना है। बेहोश है, हमें फौरन इससे जान छुड़ानी है। वो तो किस्मत अच्छी है कि जिंदा बच गया मैं। अच्छी तरह समझ रहे हो ना मेरी बात? जी सर, समझ रहा हूं। देखो जतिन, इसे एक हादसे की शक्ल दे देना, ऐसा लगे कि इसने बहुत ज्यादा नशा कर लिया था। चाहो तो समुंदर में फेंक दो उसे। जरा ध्यान से, किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। ठीक है सर। और हाँ, एक बात और, तुम्हें यह मसला जल्दी हल करना होगा। इसके मिलने जुलने वाले किसी भी वक्त यहाँ आ सकते हैं, शायद कोमल भी आ सकती है। यहाँ लगे सब कैमरे चेक कर लेना, कहीं भी कोई सुराग बाकी ना रह जाए। बिल्कुल ऐसा लगे कि हम यहाँ कभी आए ही नहीं थे। अब फिक्र मत करें दुआन साहब, आप जाएं, किसी भी लम्हे कोमल साहिबा का फोन आ सकता है। उसका तुम फोन अभी ले लो, बाद में देखते हैं कि क्या करना है। जतिन, बहुत होशियारी से काम करना, जैसे मैंने कहा है। ठीक है सर। वो जरूर सो रहा होगा। अगर मैं उससे मिलने चली भी गई तो कहूंगी क्या? मैंने एक बार फिर सब कुछ बिगाड़ दिया। कोमल गई, वो नहीं लौटी। दुआन गए, वो भी नहीं लौटे। आखिर कहाँ चले गए? वो खानदान इतनी मनहूस कैसे हो सकती है? कोमल ने भी कौन सी अकलमंदी की हरकत की है? जब उसके बाप को कोई लड़का पसंद नहीं था तो उसे घर लाने की जरूरत क्या थी? हाँ, अगर मैं भी ये हरकत करती तो आप क्या करती आसमा साहिबा? मैं तो तुम्हारी चाल ही देख के बता सकती हूँ कि तुम अगले सेकंड झूठ बोलने वाली हो। क्या मतलब, कैसी चाल? क्योंकि तुम चलते चलते झूठ बोलती हो, तुम्हारा सर इस तरह उठा हुआ होता है। ये क्या कह रही है? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया इस बारे में? अगर बता देती तो क्या तुम्हारा झूठ पकड़ पाती? ये बात भी है। खैर छोड़ो ये सब। यिल्दिज, तुमने उस कर्जे के मामले में दुआन साहब से बात की? मैं सोच रही थी कि शायद मुझे भी इनसे बात करनी चाहिए, मुझे भी माफ़ी मांगनी चाहिए। सही सोचा आपने, ये सब हम पर जेब नहीं देता। हमने आज से पहले भी ऐसे काम किए हैं जो हमें जेब नहीं देते। अम्मी जान, पहली दफा किसी ढंग के आदमी से पाला पड़ा है हमारा, तो उनसे माफ़ी मांग ले वो कुछ नहीं कहेंगे। तुम सही कह रही हो, बस तुम दोनों को किसी की बुरी नज़र न लगे। आप भी ना एक बात से दूसरी बात निकाल लेती हैं और उस मौजू से हट जाती हैं, तो याद से माजरत कर लीजिएगा, ठीक है? हाँ, कर लूंगी, ज्यादा मत बोलो। कोमल? हाँ कहो। तुम ठीक तो हो? हाँ, जैसे आपको तो बहुत फिक्र है ना, आकिफ और बाबा के दरमियान लड़ाई हुई, इस चीज का जश्न मनाया। इतने बेहिस भी नहीं है हम लोग। और हाँ, तुम्हारे बाबा कहाँ हैं? मुझे कैसे पता होगा, तुम्हें पता होना चाहिए। मुझे कैसे पता होगा, वो तो तुम्हारे पीछे गए थे, मुझे लगा तुम दोनों साथ होंगे। नहीं, हम साथ नहीं थे। वो जरूर अपना गुस्सा ठंडा करने के लिए बाहर गए होंगे। मैं जा रही हूँ सोने। या अल्लाह, मैं उन्हें कॉल करती हूँ, मेरा फोन कहाँ है? हाय, लगता है कमरे में छोड़कर आ गई हूँ मैं। हाय, मेरी तो नींद ही उड़ गई है। आयशा, मेरे लिए ग्रीन टी तो बना के लेकर आओ जरा। कहाँ है, फोन क्यों नहीं उठा रहे? आपको ही कॉल कर रही थी मैं। कोमल आ गई क्या? जी आ गई, और अपने कमरे में है।
ठीक है, आप ठीक तो हैं? गुस्से को काबू करने के लिए टहलने चला गया था। सही किया आपने, अगर आप चाहें तो हम लोग बात कर सकते हैं। यिल्दिज़, क्या हम कल बात करें? इस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं बस सोना चाहता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल, इनके भी आसाब जवाब दे चुके हैं। आपको कुछ और तो नहीं चाहिए आलिया साहिबा? नहीं नरमीन, शुक्रिया तुम्हारा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। फिक्र मत करो जुनेद, मैं मजीद यहां नहीं रहने वाली, अपने घर जा रही हूं। मगर जुनेद, मुआहिदा तोड़ने में पहल तुमने की थी, ये बात सुन लो। आलिया, मैं तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहता, सुन रही हूँ? मैं अपना दिमाग हरगिज खराब नहीं करना चाहता ये सब सोच सोच के। देखो, मैं नहीं जानता कि पहल किसने की किसने नहीं, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं हमेशा मुखलिस रहा और तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं पहुँचाई। खैर, अगर तुम अपना इरादा नहीं बदल रहे हो तो वाकई बहस करने का कोई फायदा नहीं। और वैसे ही जुनेद, ऑफिस में आमना सामना होता रहेगा हमारा, और आकिफ वाला जो मसला है उस पर हम उस वक्त बात कर लेंगे जब तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा, ठीक है? हाँ बस ठीक है। ठीक है। और हाँ, इतने दिन मेहमान नवाजी करने के लिए बहुत शुक्रिया तुम्हारा जुनेद। जरूरत नहीं, सादिक आलिया साहिबा की मदद कर दो जरा आके। सब काम हो गया ना जतिन? जी सर, मैंने उसे समंदर में फेंक दिया, अगर उसकी लाश मिल भी गई तो समझेंगे कि नशे की हालत में डूब गया। सब काम बहुत एहतियात से किया है ना तुमने, कोई गलती की गुंजाइश नहीं। हमने कैमरे भी तब्दील कर दिए, उसमें आखिरी फुटेज 2 दिन पहले की है जब आकिफ घर से निकला था। लोगों को यही लगेगा बाद में सिस्टम में खराबी हो गई। तुमने उसके फोन का क्या किया फिर? उसका फोन मेरे पास है। मेरी बात सुनो, तुम आकिफ के फोन से कोमल को एक मैसेज करो और उससे ताल्लुक खत्म कर लो, फिर उसका फोन कहीं दूर फेंक देना और फिर कोमल उससे खुद ही ताल्लुक खत्म कर देगी। समझ गया दोहान साहब। बस पीछे कोई सुराग बाकी नहीं रहना चाहिए, किसी भी किस्म की गलती नहीं चाहता मैं। शुक्रिया आयशा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। यिल्दिज़, ऐसी भी कौन सी बात हो गई जिसके लिए रुका नहीं जा सकता? काम की ही बात होगी, और क्या हो सकता है अम्मी? इस बार दुआन थोड़ा परेशान सा है, लिख कर रख लो, कोई बात तो जरूर। अम्मी, बाप बेटी के दरमियान लड़ाई चल रही है तो जाहिर सी बातें उदास तो होंगे ना। माजरत इंतजार करवाने के लिए, चलिए फिर खाना खाना शुरू करते हैं। इसमें माजरत की कोई बात नहीं दुआन, आप ठीक हैं? ठीक हूँ। कोमल से बात हुई आपकी? नहीं तो। आप उससे बात करके ये मामला खत्म कर दें दुआन। यिल्दिज़, तुम सब कुछ सोचने समझने का थोड़ा वक्त दो, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। क्या कोमल अपने कमरे में है? नहीं, एजगी कह रही थी कि वो बाहर गई है, शायद आकिफ से मिलने गई होगी या कहीं और। ठीक है फिर। कोमल, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आकिफ कहाँ है? वो तो यहाँ नहीं है। क्या वो तुम्हारे साथ नहीं था कोमल? नहीं, मेरी कल रात के बाद उससे कोई बात नहीं हुई है। कल रात मेरे घर उसके और बाबा की बहस हो गई थी खाने पर। अच्छा, तो वो यकीनन वॉक करने चला गया होगा, आ जाएगा थोड़ी देर में। उम्मीद है ऐसा ही हो। ऐसा ही होगा। बैठो, कॉफी बनाता हूँ तुम्हारे लिए। तुमने कल रात से आकिफ को नहीं देखा है ना? हाँ, नहीं देखा। वैसे मैं रात को घर पे नहीं था, आज सुबह ही घर पे आया हूँ मैं, और आकिफ नहीं था। समझ नहीं आ रहा है, फिर कहाँ गया होगा वो? मुझे भी नहीं पता। दुआन साहब, वो दरअसल मैं आपसे कुछ बात करना चाहती थी। जी आसमा साहिबा, कहिए।
मेरे ख्याल से यिल्दिज़ ने आपसे मेरे कर्जे वाले मामले के बारे में जिक्र तो किया होगा। मैं वक्त पे अदायगी नहीं कर पाई जिसकी वजह से यिल्दिज़ और मुझे उसका बंदोबस्त करना था, तो इसी सिलसिले में मैं आपसे माजरत ख्वाह हूँ कि मेरी वजह से अगर कोई गलतफहमी हो गई हो तो मेरा मतलब है कि मुझे नहीं मालूम था कि यिल्दिज़ अपना नेकलेस ही बेचने चली जाएगी। अब सब बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। इस मसले को समझने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया हम दोनों की तरफ से। कोई बात नहीं, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, कोई अल्फाज ही नहीं मिल रहे कि क्या कहूँ, तो प्लीज हमें माफ कर दीजिएगा। बस भी करो यिल्दिज, ऐसा कुछ नहीं है। कहाँ है वो, अभी तक नहीं आया। इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है तुम्हें, आ जाएगा थोड़ी देर में। तुमसे एक मशवरा चाहिए था मुझे। मुझसे? हाँ हाँ, तुमसे मशवरा मांग रहा हूँ मैं। दूसरों के मशवरों पे अमल कर करके बोर हो गया हूँ मैं, और जहाँ तक मोहब्बत की बात है, हर किसी के मशवरे को जहन में रखना चाहिए। तुम्हें सच में मुझसे मशवरा चाहिए? सोच लो। सोच लिया है अच्छी तरह। मेरे दो दोस्त हैं जो एक दूसरे के लिए अच्छे रहेंगे, अब उन्हें एक करने के लिए क्या करूँ मैं, तुम ही बताओ। तुम शानजे और कुंवर की बात कर रहे हो? हाँ, क्या तुम्हें किसी ने बताया इस बारे में? नहीं, ऐसा नहीं है। इसके अलावा मैंने बहुत बार उन दोनों को एक साथ देखा है। वो दोनों साथ में अच्छे लगते है ना? हाँ, शायद इस बारे में कुछ कह नहीं सकती। हाँ तो अब बात सुनो मेरी, मैंने उन दोनों को एक करने की कोशिश की लेकिन इसमें कामयाब नहीं हुआ मैं, तो अब तुम मुझे बताओ कि लड़कियों को क्या चीज़ अच्छी लगती है जिससे वो मुतासर हो सके। मैं चाहता हूँ कि वो एक हो जाए दोनों। हैरत है मुझे कि वो एक महीने में उसके दिल में जगह नहीं बना पाया। यही तो अफसोस की बात है, उसे हीरो बनाने के लिए एक तरीका आजमाया था लेकिन उसमें भी कुंवर से ज्यादा शानजे बहादुर निकली। ऐसा क्या हुआ है, कहीं ये मशवरा यिल्दिज़ का तो नहीं था? तुम्हें हर चीज का क्या इल्हाम होता है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे लोगों की सलाहियतों के बारे में मालूम है। मतलब लड़की के सामने हीरो बनने का ये तरीका बहुत पुराना है। ये तरीका पुराना है? हाँ, बहुत पुराना तरीका है। देखो, लड़कियों को आजकल अमीर लड़के पसंद आते हैं, हर लड़की की यही ख्वाहिश होती है। अमीर होने के साथ साथ लड़का मशहूर भी होना चाहिए, समझ आई मेरी बात? हाँ, सही कह रही हो तुम, इस बारे में सोचा ही नहीं मैंने। खैर, मेरा मतलब बिला वजह किसी लड़की के सामने हीरो बनने का आजकल कोई फायदा नहीं। हाँ, यानी मुझे तो सोच के डर लग रहा है, तो ये क्या आम सी बात है? हाँ, आम सी है। खैर छोड़ो, किसी भी तरह ये मसला हल करना होगा। तुम्हारे मशवरे का बहुत शुक्रिया, मैं वैसा ही करूँगा, कोई नया तरीका आजमाऊंगा। एक बात सुनो, आकिफ का कुछ पता चले मुझे कॉल कर देना। ठीक है, कर दूंगा। जतिन, क्या तुम जानते हो कोमल कहाँ है? वो सुबह ही सुबह आकिफ के घर गई थी। देखो, कोमल को जरा भी शक नहीं होना चाहिए। नहीं होगा दुआन साहब, और लाश को मिलने में भी काफी दिन लग जाएंगे। पहले ही मेरी परेशानियां क्या कम है जो अभी खानदान को भी देखूं। हाँ कहो दुआन। खानदान, तुम फौरन मेरे ऑफिस आओ। समझ गई कि क्यों बुला रहे हो तुम मुझे। क्योंकि कल मेरे जाने के बाद तुम्हें काफी मुश्किल पेश आई होगी। फजूल बातें मत करो, ऑफिस आओ ताकि हम बात कर सके। ठीक है दुआन, पहुंचती हूँ थोड़ी देर में। चलो। ईमानदारी से कहूँ ना यिल्दिज़, तो दुआन से बात करके मेरे दिल पे जितना बोझ था वो बिल्कुल हल्का हो गया है। जी बिल्कुल अम्मी, वो बहुत ही अच्छे इंसान है। कोई शक नहीं, उसका बहुत बड़ा दिल है, और देखा जाए तो कभी हमें ऐसा कोई अच्छा शख्स मिला ही नहीं। आइंदा अब आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी, ठीक है अम्मी? देखिए जरा कौन आया है। आप क्या पीना पसंद करेंगे, मैं क्या लेकर आऊँ? शुक्रिया आपकी? आयशा, कुछ नहीं चाहिए मुझे, वैसे भी मैं बहुत कॉफी पी चुका हूँ। चलिए ठीक है, शुक्रिया। खुशामदीद। शुक्रिया, कैसे हैं आप लोग? खुशामदीद आमिर। बहुत शुक्रिया, मैंने सोचा काम पे जाने से पहले तुमसे मिल लूं। मिलने तो आना था क्योंकि क्राइम पार्टनर जो हो एक दूसरे के। आमिर, मैं अब चलती हूं। वैसे अब मेरे अंदर हिम्मत नहीं और कहानियां सुनने की। जी जी, जाएं जाएं। जी आप जाएं, मैं यहीं पर हूं। हाँ तो यिल्दिज़,
क्या कोई दिलचस्प वाकया हुआ है? आमिर, अब तुमसे क्या कहूँ मैं, इन मामलात से थक चुकी हूँ मैं, आराम से कॉफी पीने देना मुझे। कोमल आई थी आकिफ के घर, पता है? दरअसल दुआन ने आकिफ की बहुत बेइज्जती की थी, तो शायद तलाफी करने आई होगी। आकिफ तो घर पे नहीं था, तो वो कैसे तलाफी करती? सुबह सुबह कहीं चला गया था वो। वो किसी को कुछ नहीं बताता। हाँ हाँ बिल्कुल, वो ऐसा ही है, मगर कोमल और वो एक दूसरे को अच्छी तरह जानते। हाँ, दोनों के दोनों ही पागल हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही लगता है। खैर छोड़ो, तो अब हम अपने मीठे मौजू की तरफ आते हैं, क्या तुम तैयार हो? हाँ, मीठे की रेसिपी दे दो, कभी दिल चाहा तो आयशा से कहूंगी बना ले। मीठे मौजू से मुराद शांति और कोर को एक करने का एक और तरीका मिल गया मुझे। मुझे अब इस मामले में कोई दिलचस्पी नहीं है, कोशिश तो की थी ना हमने उन्हें एक करने की, कामयाब नहीं हुए तो क्या करें? इस बारे में हम कई दफा बात कर चुके हैं, अगर हम किसी के साथ अच्छा करेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा ही होगा। हाँ ठीक कह रहे हो, वैसे अम्मी की वजह से बहुत बुरे काम कर चुकी हूँ, अब कोई अच्छा काम कर लेती। हाँ यही बात तो कर रहा हूँ मैं। चलो अब बताओ, औरतों को क्या चीज मुतासिर करती है? पैसा। पैसे से हटकर कोई और चीज बताओ मुझे। बहुत ज्यादा पैसा। यिल्दिज़, जलन भी कोई चीज होती है, जलन। ये जलन वाली बातें तुम्हारे दिमाग में किसने डाल दी आमिर? कहीं कोमल से तो मशवरा नहीं मांग लिया? अल्लाह अल्लाह, तुम दोनों एक दूसरे को कितनी अच्छी तरह से जानते हो, ये किस किस्म की चाहत है? क्या जरूरत थी उससे मशवरा मांगने की, वो खुद के अलावा किसी से मोहब्बत नहीं कर सकती। अच्छा ठीक है, बात सुनो, किसी को अपनी तरफ रागिब करने के लिए जलन वाला तरीका मुनासिब रहेगा। उफ, तो शांजी की तवज्जो की जरूरत है कुंवर को, है ना? यिल्दिज़, यहाँ आने का मकसद भी यही है मेरा, दो लड़कियाँ हमें तलाश करनी होगी, वो कुंवर के करीब होने की कोशिश करेंगी, हो सकता है ये सब देखकर शांजी जेलस हो जाए। ठीक है करके देख लेते हैं, हो सकता है इसमें कामयाब हो जाए, और जबकि ये तुम कह रहे हो तो तुम्हारा साथ कैसे नहीं दे सकती मैं? अच्छी दोस्त हो तुम, इस काम में तो तुम बहुत माहिर हो, इसीलिए दो लड़कियों का बंदोबस्त तुम करोगे, शायद एक्टर्स सही रहेंगी। इसके अलावा मेरी नजर में तो कोई लड़की नहीं, हमें लड़कियाँ कहाँ से मिलेंगी? ठीक है ये सब कुछ मैं संभाल लूंगा। ठीक है, तो फिर मैं शांजी को कॉल करके बता देती हूँ कि आज हम लंच साथ में करेंगे। हाँ हेलो, मैं कोमल, क्या आकिफ साहब रेस्टोरेंट आ गए हैं? नहीं मैडम, अभी नहीं आए वो। ठीक है, जब वो आए तो आप मुझे बता दीजिएगा प्लीज। जी जरूर मैडम। ठीक है। कोमल क्या हाल है? आकिफ आ गया क्या? उसका कुछ पता नहीं, सुबह से फोन कर रही हूँ लेकिन फोन भी नहीं उठा रहा। अल्लाह खैर करे, शायद वो जॉगिंग पे गया। क्या सुबह से अब तक वो जॉगिंग ही कर रहा है? एक मिनट रुको, तुम कॉल करती हूँ। मैं इसलिए आई थी कि अगर उसे कहीं जाना नहीं है तो मुझे उसकी गाड़ी चाहिए थी। उसकी गाड़ी तो नीचे ही खड़ी है और मेरे ख्याल से चाबियां ऊपर कमरे में होंगी। ठीक है, मैं देख लेती हूँ। मैसेज आया उसका। देखा, मैंने कहा था ना तुम बिलावजह परेशान हो रही थी। कोमल, कोमल क्या बात है? यकीन नहीं आ रहा मुझे। कोई हादसा तो नहीं हो गया? वो चला गया। क्या? मैसेज में यही लिखा है उसने। क्या मतलब है तुम्हारा, क्या लिखा है उसने, बताओ मुझे। मैंने काफी सोचा कि मैं और तुम अब एक साथ नहीं रह सकते। मैं किसी के साथ ज्यादा अरसे तक रिश्ता कायम नहीं रख सकता। मुझे माफ करना, मैं कुछ अरसे के लिए बाहर जा रहा हूँ। कोमल, अब मैं क्या कह सकती हूँ? मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा, वो आखिर यूं अचानक इस तरह से कैसे बदल सकता है? ठीक है, मेरे बाबा से उसकी बहस हुई थी, बाबा ने अगर कुछ कह भी दिया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो मुझे छोड़कर चला जाए। ऐसा कैसे कर सकता है? कहीं बाबा ने तो कोई धमकी नहीं दी उसे? आकिफ किसी से डरने वालों में से नहीं है। मैं तुम्हें मायूस नहीं करना चाहती, मगर उसका हमेशा से इसी तरह का रवैया है, यानी वो अचानक से गायब हो जाता है। क्या? आकिफ को अपनी आज़ादी सबसे ज़्यादा अजीज है, मगर वो तुम्हारे साथ ऐसा करेगा मैंने सोचा भी नहीं था। अब क्या करूं मैं? आ जाओ। दुआन साहब, मैंने कोमल साहबा को मैसेज करके फोन को फेंक दिया है। ठीक है, कोमल अब सोचेगी कि आकिफ ने उसे छोड़ दिया है और उसे उससे नफरत हो जाएगी। ये एक तरह से अच्छा हो गया, अब आकिफ की मौत की खबर मिलने पर उसका गम थोड़ा कम होगा, सब ठीक हो जाएगा वक्त के साथ। अच्छा सर, वो हानदान साहब आ चुकी हैं, क्या आप उनसे मिलना चाहेंगे? भेज दो उसे।
हेलो, यहाँ काफी उदासी छाई हुई है या मुझे ऐसा लग रहा है? हांदान, मैंने पहले ही तुम्हें यहाँ से जाने का कह दिया था, तो तुम इज्जत से यहाँ से खुद क्यों नहीं चली जाती हो? फिर से वही सब, बस बहुत हो गया, थक चुकी हूँ मैं। तुम तो जानती हो ना मुझे, जेल भेजने के लिए जरा भी वक्त नहीं लगेगा। तुम अपनी बेटी की माँ को जेल नहीं भिजवा सकते। तुम जान से तो मार सकते हो मुझे, मगर जेल भिजवाना मुमकिन नहीं। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि दुआन यिल्दिरिम को अपने ऊपर बहुत यकीन है। तुमने मेरे जाली दस्तखत किए, क्या तुम जानती भी हो कि ये कितना बड़ा जुर्म है? जानती हूँ, मगर इसके अलावा कोई चारा नहीं था मेरे पास। तुम चाहते तो अपनी बेटी की माँ की मदद कर सकते थे। तो तुम ये कह रही हो कि जाली दस्तखत करने पर मैं तुम्हारा साथ देता? वाह, बहुत खुशी हुई ये सुनके। दुआन, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, तुम हमेशा से ऐसे ही हो, हमदर्दी तो बिल्कुल नहीं है तुम में। अच्छा बस ठीक है, छोड़ो ये बातें, तुम करती रहो जो करना है, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है इन बातों का। बस बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ, लेकिन अगर तुम्हें कोमल की माँ होने की हैसियत से कुछ पैसे चाहिए तो शायद मैं मदद कर सकता हूँ। इतना बुरा इंसान नहीं हूं मैं। अगर तुम चाहो तो ऐसा कर सकते हैं फिर कि तुम मुझसे कुछ पैसे लो और यहां से वापस चली जाओ इसी वक्त। ठीक है, मंजूर है, चली जाऊंगी, मगर जाने से पहले मैं चाहती हूं कि तुम मुझे मेरी बेटी के साथ थोड़ा वक्त गुजारें। तो क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि कोमल और तुम्हारे ताल्लुकात ठीक हो सकते हैं? कम से कम कोशिश तो करने दो मुझे, सिर्फ 2 हफ्ते चाहिए मुझे कोमल के साथ रहने के लिए। नामुमकिन, कोमल अपने घर में रहेगी। तुम मुझे उससे मिलने से नहीं रोकोगे, मैं जब चाहूंगी उससे मिलूंगी। वो तो तुम अभी भी कर ही रही हो हांदान। लेकिन वहाँ मेरे साथ कैसा सलूक होता है तुम देख चुके हो दुआन, उससे तो बेहतर घर से निकाल देना है। मुझे वहां देखते ही सबके मुंह बन जाते हैं दुआन, तुम्हारे तो मुलाजमों का रवैया भी ठीक नहीं होता। ठीक है, मैं यिल्दिज़ को समझा दूंगा कि तुम 2 हफ्ते में चली जाओगी। इन 2 हफ्तों के अंदर अंदर अगर तुम चाहो तो कोमल से मिलने किसी भी दिन आ सकती हो। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तो फिर ठीक है, अगर इस दौरान तुमने मेरे साथ कुछ करने की कोशिश की या 2 हफ्ते से ज्यादा 1 दिन भी रही तो मैं उसी वक्त तुम्हें यहां से वापस भेज दूंगा। वादा किया है मैंने। ठीक है, फिर मैं चलती हूँ, ये खुशखबरी जाकर मुझे कोमल को भी सुनानी है। मुझे नहीं लगता कि कोमल के लिए ये बात कोई खुशखबरी साबित होगी। हेलो, क्या तुम जानती हो क्या रहा है? क्या हो रहा है? हांदान, मैंने तुम्हारे लोन की दरखास्त का फॉर्म जमा करवाया था, उस पर दस्तखत जाली हैं। क्या? मुझे यकीन नहीं आ रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे क्या मालूम, तुम्हारी वजह से मेरी जॉब खत्म हो गई। हाय अल्लाह, सुनकर बहुत अफसोस हुआ, अब क्या हो सकता है? क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो? तुमने मेरा इस्तेमाल किया है। तुम बिला वजह गुस्सा हो रहे हो, हो सकता है इससे अच्छा मौका तुम्हारा इंतजार कर रहा हो, इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? या मेरे अल्लाह, जरा भी इंसानियत नहीं तुम्हें। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो हेलो, अकल खुद में नहीं है, बातें मुझे सुना रहा है। ओह, तो आ गए हैं जनाब, आज भी देर से आंख खुली होगी। नहीं, बस मैं घर से निकलने वाला था तो कोमल आ गई, आकिफ को ढूंढ रही थी, उसे अकेला नहीं छोड़ सकता था मैं। क्यों ढूंढ रही थी, वो कहां गया? मुझे नहीं पता, अब तक तो उसे पता चल गया होगा कि वो कहाँ है। खैर ठीक है, उसके बाद यिल्दिज़ से मिलने चला गया मैं, वो शानजे के साथ आज खाना खाने आएगी यहाँ पर। अच्छा है। अब क्या हो गया तुम्हें? ऐसे क्यों हंस रहे हो मुझे देखकर? खुशी हो रही ना तुम्हें? खुशी वाली क्या बात है? दिल में हलचल महसूस हो रही होगी, बेचैनी भी हो रही होगी कि कब वो आएगी यहाँ पर। बहुत बेचैन हूँ, अंदर आग लगी हुई है मेरे। अब खुश हो तुम?
अरे कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा सा इंतजार कर लो मेरे दोस्त। देखो तुम्हारा दिमाग ना दिन ब दिन खराब होता जा रहा है, और ये सब आकिफ की वजह से हो रहा है। सुधर जाओ वरना अच्छा नहीं होगा, बता रहा हूँ तुम्हें। ठीक है, अब कुछ नहीं कह रहा हूँ मैं। या अल्लाह सब्र दे मुझे। कैसे हो तुम लोग? ठीक है, खुश आमदी। बहुत शुक्रिया। क्या हुआ, खैरियत है? चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ तुम्हारा? बस मत पूछो, आकिफ चला गया है। क्या मतलब चला गया? कहाँ चला गया? आकिफ के घर गई थी मैं, तो कोमल वहाँ उसका इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर बाद उसका मैसेज आया, अलविदाई मैसेज। ये क्या कह रही हो? उसमें लिखा था कि वो मुल्क से बाहर जा रहा है। क्या, ऐसे अचानक से? वो ऐसा ही है। ये सब क्या हो गया, कोमल की भी कैसी किस्मत है, मुझे तो उसके लिए अफसोस हो रहा है बहुत। मैं उसके पास रुकना चाहती थी मगर उसने रुकने नहीं दिया, फिर वो वहाँ से चली गई, शायद घर गई होगी, और मैं यहाँ पे आ गई यिल्दिज़ से मिलने के लिए। मुझे एक काम याद आ गया है, तुम लोग बातें करो, मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है। आकिफ इस तरह अचानक मुल्क से बाहर कैसे जा सकता है? तुम यहाँ पर क्यों खड़ी हो, जाकर बैठ जाओ। हम बाद में बात करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। वफा है शजरे